नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पूर्णिया के एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिनका की रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज हुआ है। रंग की दुनिया यानी कि चित्रकारी में बिहार का अपना एक अलग ही पहचान है। यह पहचान मधुबनी पेंटिंग के द्वारा बिहार को मिली है। आज दुनिया में मधुबनी पेंटिंग चमक रहा है, वहीं पूर्णिया शहर का नाम अब एक चित्रकला जगत में छा गया है। पूर्णिया के चर्चित चित्रकार राजीव राज उर्फ राजीव रंजन की पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार ही नहीं बल्कि पूर्णिया के लोग काफ़ी खुश है। अपनी कला को लेकर बोलते हुए राजीव ने बताया कि उन्होंने 3 और 4 दिसंबर 2018 में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व की सबसे बड़ी 1406 स्क्वायर फीट के फॉर विजन पेंटिंग महज 31 घंटे 17 मिनट में बनाई थी। इसे बनाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इसके लिए पूर्व में इनका नाम इंटरनेशनल बुक, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। अब 2020-2022 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। इससे इनके घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अपने बेटे के इस उपलब्धि पर बोलते हुए माँ सैल झा ने बताया कि उनका बेटा रत्न है। उन्हें उम्मीद है कि आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका बेटे का नाम दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने लगातार 31 घंटे तक बिना खाए पिए लगातार चित्रकारी कर वाजपेयी जी का फोर विजन पेंटिंग बनाया था, उस दिन उनके आँखों में आंसू आ गए थे। आज उन्हें काफ़ी खुशी है। आपको बता दें कि राजीव की यह पेंटिंग मेरी एक क्लिक को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड साल 2020 में दर्ज किया गया था। उस समय लिम्का ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा था कि भारत के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी एक्रेलिक पेंटिंग बनाने के लिए आपका नाम इसमें दर्ज किया गया है। यह पेंटिंग पूर्णिया में 3 दिसंबर 2018 को दिन के 4:43 पर यानी 43 मिनट पर प्रारंभ कर दूसरे दिन 11:18 रात में 31 घंटे 17 मिनट में पूरा किया था। मैंने 1406 स्क्वायर फीट की पेंटिंग बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले का रिकॉर्ड 896 स्क्वायर फीट का था। राजीव ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि मुझे मेरी नौकरानी रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। एक दिन मैं स्कूल जाने के दौरान उसके घर गया तो देखा कि उनका बेटा गंगा कुछ पेंटिंग बना रहा था। मैं उस पेंटिंग को काफ़ी गौर से देखने लगा। इसके बाद उसने मुझे एक स्लेट दिया जिस पर फूल की तस्वीर बनी हुई थी। गंगा ने मुझसे कहा कि अब तुम इस तस्वीर को बनाओ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार फूल की तस्वीर बनाई। मुझे गंगा की पेंटिंग से ही प्रेरणा मिली कि अब इस क्षेत्र में ही कुछ अलग करके नाम कमाना है। आज राजीव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। राजीव ने वो कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था। एक अपनी नौकरानी के बेटे से प्रेरणा लेकर राजीव ने आज चित्रकारी को देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। बिहार का भी राजीव ने नाम बढ़ाया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।